विजय भवा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी को। विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयादशमी का उत्साह पूरे देश में है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जा रहा है। असत्य पर सत्य की विजय का ये पर्व है और इस पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह हर जगह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं दिल्ली के द्वारका से। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें, विजयादशमी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। मुस्कुराहट होनी चाहिए, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। जय जय श्री राम। और अब जिस विजयदशमी के त्योहार को मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम चाहेंगे उस मंचन का वो अंश हम देखें, जिस अंश को देखने के लिए और जिस अंश के पश्चात हम रावण वध करेंगे। आइए आनंद लेते हैं आप सबकी तालियों के बीच श्री राम और रावण के युद्ध का। अभी आपने शक्ति पूजा देखी और अब देखिए श्री राम रावण युद्ध, युद्ध में क्या हुआ और क्या होगा। आइए जोरदार घोष के साथ आज की लीला के साकरी दृश्य का आनंद लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम और रावण का युद्ध यहां पर होगा, पर उससे पहले हम स्वागत करवाना चाहेंगे शब्दों से। ये तटस्थ स्थिति होती है कि सब तैयार हो जाए, पर हमारे सांसद महोदय जो स्वयं यहां पर आकर शब्दों से हमारे बीच पधारे, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। हम विनम्र अनुरोध करते हैं श्री प्रवेश साहिब सिंह जी से कि वे मंच पर आए और हमारे प्रधानमंत्री जी का शब्दों के द्वारा स्वागत करें। और तब तक हमारा दृश्य तैयार होगा मंचन का। आइए आनंद लेते हैं रावण और श्री राम के युद्ध का। सीते, अब वनवास की अवधि जल्द ही पूरी होने वाली है। अब मेरी संध्या का समय हो गया है। जी लक्ष्मण चले लकड़ी लेने, और ऐसा क्या हुआ जिसने श्री राम को आकर अचानक वो कह दिया जो शायद मर्यादा की पंक्ति कभी ना कहे। आइए श्री राम की पंचवटी में अचानक आए, दूर पड़ा था हृदय दारुण जैसे
नंदन। मेरे दंडक वन में आपका स्वागत। आपका आकर्षण मुझे आपके पास ले आया। कौन है आप? स्वर्गलोक से आए कोई देव पुरुष है या मानव संतान? देवी, मैं महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। अयोध्या, ये नाम तो मैंने कहीं सुना है। बड़ा भव्य नाम है अयोध्या। देवी, आप कौन हैं? मैं आप राम तो मैं राम कली हूँ। राम देवी, अपना परिचय बताएं। मैं राक्षस राज रावण, महाबली कुंभकर्ण और धर्मात्मा विभीषण की एक लौती बहन और इस पूरे साम्राज्य की स्वामिनी। मेरा नाम है शूर्पणखा, शूर्पणखा। अब आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। देवी, पिता की आज्ञा हेतु हम वनों में वनवास के लिए आए। अद्भुत, अविस्मरणीय। ओह, मुझे तुमसे कुछ कहना है राम। हाँ देवी, कहो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं तुम्हें अनुग्रहित करना चाहती हूँ राम। किंतु कैसे देवी? किंतु परंतु मत करो राम। सौभाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। मुझ जैसी सुंदर नारी तुमको इस पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी। देवी, मेरी एक पत्नी है। तो क्या हुआ, भूल जाओ अपनी पत्नी को राम और मुझे स्वीकार कर लो। और वैसे भी राम, महाराजाओं की तो अनेकों पत्नियां होती है ना। देवी, मैंने एक पत्नी व्रत लिया है और मेरी पत्नी के होते हुए किसी अन्य स्त्री के बारे में सोच नहीं सकता। परंतु तुम्हें देखने के पश्चात मैं तुम्हारे प्रेम में बंधना चाहती, उसका क्या होगा? देवी, मैंने कहा ना, मैं विवाहित हूँ। आप अपना ये प्रस्ताव कहीं और ले जाएं। और वो कौन है? वो मेरा अनुज लक्ष्मण है। वो तो यहाँ अकेला है ना? हाँ, इस समय तो वो अकेला है। देवी, मेरा लक्ष्मण। कितना प्यारा नाम है लक्ष्मण। मेरा नाम शूर्पणखा है कुमार। मैं इस दंडक वन की राजकुमारी। मुझे तुम्हारी ही तरह एक सुंदर, अति सुंदर और वीर पुरुष की चाह। मैं तुम पर मोहित हो चुकी हूँ लक्ष्मण। मुझे स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करो। क्षमा कीजिएगा देवी, किंतु मैं हूं। तो क्या हुआ, तुम यहाँ तो अकेले हो ना? भूल जाओ अपनी पत्नी को लक्ष्मण और मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हें इस दंडक वन का राजा बना दूंगी। फिर तुम और मैं मिलकर इस पूरे दंडक वन पे राज करेंगे।
और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ वीर कुमार, और प्रतिउत्तर में मैं तुमसे प्रेम ही तो मांग रही हूँ। मैं दंडक वन की राजकुमारी हूँ। आज तक जिस भी पुरुष का चयन किया है मैंने, उसने मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार किया। तुम कौन हो? आपकी सुंदरता प्रस्थान करें। राम ये कौन है? राम देवी, ये मेरी भार्या सीता है। जब तक ये अपूर्व सुंदरी वन में है, ये दोनों मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तो इनको अपना असली रूप दिखाना होगा। और इस तरह सुर प्रथा लंकापति दशानन की सबसे छोटी बहन मीनाक्षी ने एक रुद्र रूप लिया, और यही बना आधार राम रावण युद्ध का। लक्ष्मण सावधान। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बुराई रूपी रावण का अंत किया जा रहा है। असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है। और खास तस्वीरें इस वक्त जोधपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रावण का दहन कर दिया गया है। बड़ी संख्या में लोग मैदान में मौजूद हैं, जहां पर रावण दहन को देखने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। प्रशासन की ओर से भी इसे लेकर खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं, तो भीड़ को लेकर भी खास मैनेजमेंट किया गया है। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी वहां पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो दशहरा महोत्सव 2023 खास तस्वीरें जोधपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रावण दहन कर लिया गया। आपको बताते चले कि शुभ अवसर की शुरुआत हो चुकी है, और अब तकरीबन 8:30 बजे तक ऐसे ही जगह जगह पर अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, जब देश भर में अलग अलग मैदान में रावण दहन किया जाएगा।
तो इससे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे थे दिल्ली से, जहां पर द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए, जहां पर रामलीला का भी मंचन किया जा रहा है और वहां पर भी कुछ ही समय में रावण दहन किया जाएगा। तो खास तस्वीरें इस वक्त जोधपुर से आप देख पा रहे हैं। प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर ऐसे ही रावण के पुतले लगाए गए हैं, कहीं 50 फीट तो कहीं 100 फीट या फिर कहीं उससे भी ज्यादा ऊंचे रावण के पुतले बनाए गए हैं। तो ये खास त्योहार जिसमें एक संदेश लोगों के लिए कि बुराई चाहे कितनी ही बड़ी हो, झूठ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उस पर एक न एक दिन सत्य की विजय जरूर होती है। तो जोधपुर में रावण का दहन किया गया, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मेला भी लगा हुआ और बड़ी संख्या में लोग इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। बड़े से लेकर बुजुर्ग और बच्चे भी यहां पर रावण दहन देखने के लिए पहुंचे हुए हैं और अपने कैमरे में इस खास पल को कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो अब पटाखे फोड़े जा रहे हैं, उत्साह मनाया जा रहा है, क्योंकि अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, असत्य पर सत्य की जीत, और यहां पर पाप का नाश होते हुए जहां पर रावण का पुतला दहन कर एक खास संदेश सभी को दिया जा रहा है। क्योंकि कई बार जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो बच्चे घबरा जाते हैं, और अभी तक हमारे पास 3-4 स्लिप आ चुकी है आपके अलग अलग जो अपने बच्चे। तो आज दशहरे का त्योहार है और पूरे देश में इस त्योहार को लेकर हर्षोल्लास, खास जश्न की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दिल्ली के द्वारका से ये पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और यहां पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जहां पर मंच पर सीता, राम और लक्ष्मण भी मौजूद हैं। और इसके साथ दूसरी तस्वीर जोधपुर से ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त उत्साह इस वक्त लोगों में, छोटे छोटे बच्चे भी यहां पर मेले में पहुंचे हुए हैं और इस खास तस्वीर को कैमरे में कैद किया जा रहा है। श्री राम गए उस स्वर्ण मृग के पीछे, तो वहीं हरण हुआ माता सीता का। और माता सीता को वापस लाने के लिए आज हम इस अंतिम दिवस, अंतिम चरण पर पहुंच रहे हैं, और अंतिम चरण है श्री राम और रावण का युद्ध। युद्ध ऐसा कि सबके मनोभावों को हिला दे, और आधार ऐसा कि कहीं भातृ प्रेम झलकता है तो कहीं अन्याय को समाप्त करने की छवि। आइए राम और रावण के युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। रावण लंकापति दशानन, जिसके 10 शीश, जो वेदों का ज्ञाता है, जो शस्त्रों का ज्ञाता है, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, जब वो आता है तो क्या होता है? दशानन, दशानन वो जो ऋषि पुलत्स्य का वंशज है, दशानन वो जो माता कैकसी और ऋषि विश्वरवा की संतान है मंच पर। और अब जब रावण आते हैं सबके समक्ष, तो वो दिखाते हैं स्वयं को शिव भक्त का स्वरूप। वो लंकापति दशानन शिव की अर्चना, शिव की आराधना करते हुए, धरा से गगन तलक रचना समस्त मुझी में है। आज्ञाकारी सूर्य चंद्र उदय
हंस मुझी में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगता है। यम कुबेर वरुण मंडल मेरे घर पत्नी भरता है। हे महादेव, यदि आज आप भी राम के पक्ष में है तो भी रावण झुकेगा नहीं। मरते मर जाऊंगा परंतु अपना युद्ध निरंतर रखूंगा। मैंने ये पदवियां ये शक्तियां ऐसे ही व्यर्थ में प्राप्त नहीं की, अपने तपोबल से प्राप्त की है। इतिहास रावण के नाम को सर्वथा याद रखेगा। ये अमित गौरव गाथा लिखी जाएगी इतिहास में कि संसार की सारी दैवी शक्तियां मिलकर भी जीते जी रावण के सीता को मुक्त नहीं करा पाई। इस राम ने मेरे पुत्र मेघनाथ का वध किया, कुंभकर्ण को मारा, बाली को एक व्याज की भांति छुपकर फाड़ मारा। आज मैं सबके पैर चुका दूंगा। मैं इसे बताऊंगा प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। ओ तो तू यहां छिपा है। यदि आज तू मेरे भाई से भाग न गया तो मैं तुझे रसातल में गाड़ दूंगा। तो विजयादशमी पर देश भर में उत्साह है, जगह जगह पर रावण का दहन किया जा रहा है। खास तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। पर करेंगे देश भर में दशहरे की धूम है। विजयादशमी के इस पर्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने देश को बधाई दी। राष्ट्रपति ने लिखा, यह पर्व हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र जाएंगे। एलएसी के पास सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे, शस्त्र पूजन कर मनाएंगे विजयादशमी। रक्षा मंत्री दो दिवसीय असम और अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से दो दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सातवें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भाग लेंगे, साथ ही रियाद में वरिष्ठ नेताओं और व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो गई, एक्यूआई इंडेक्स 303 के पार पहुंच चुका है। सूचकांक के मुताबिक राजधानी की हवा को बहुत खराब श्रेणी में शामिल किया गया है। देश भर में आज धूमधाम से दशहरा मनाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरे को लेकर लोगों में उत्साह है। शहर शहर रावण के पुतले जलाए जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर के दशहरा मेले में होने वाली मावली परघाव रस्म संपन्न हो गई। इस रस्म में दंतेवाड़ा शक्तिपीठ के माता मावली की डोली जगदलपुर लाई गई। रस्म के दौरान हजारों की तादाद में भीड़ मौजूद रही। भारत की मेजबानी में चल रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा। पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 229 रनों की जीत दर्ज करने वाली साउथ अफ्रीकन टीम फुल फॉर्म में नजर आ रही है, वहीं बांग्लादेश अब तक संघर्ष करती हुई नजर आई। प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में बगावत के सुर उठने लगे हैं। डूंगरपुर अलवर में कांग्रेस नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो राजसमंद के कुंभलगढ़ में बीजेपी में बगावत की चेतावनी सामने आई। विधायक दानिश अबरार पर हुए हमले के मामले में दौसा में युवकों की गिरफ्तारी के बाद सांसद किरोड़ीलाल मीणा और उनके समर्थकों ने थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। डिटेन किए गए युवकों के साथ अमानवीय बर्ताव और मारपीट का आरोप लगा है। सीकर के फतेहपुर में गोली लगने से सीआईएसएफ जवान की मौत हो गई। एसपी सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे, झुंझुनू के रहने वाले जवान की राइफल का ट्रिगर दबने से मौत हो गई।
अलवर के लक्ष्मणगढ़ में खेत की लड़ाई खूनी जंग में तब्दील हो गई। पेड़ को काटने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में करीब 12 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अजमेर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नाकेबंदी के दौरान 16 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर कोटा में ए श्रेणी की नाकेबंदी लगाई गई है। शहर के अलग अलग जगहों पर कार्रवाई में कुल 242 वाहन समेत 10 लाख कैश जब्त किया गया। साथ ही आर्म्स और आबकारी एक्ट के तहत 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। झालावाड़ में पुलिस की विशेष टीम ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बरखेड़ा पर नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक में करीब 126 किलो अवैध गांजा बरामद कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चुनाव को लेकर प्रशासन का हैरान करने वाला फैसला सामने आया। जयपुर नगर निगम में तैनात सफाई कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। इनमें ज्यादातर कर्मचारियों को पढ़ना लिखना भी नहीं आता, जिससे कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति है। सवाई माधोपुर में दशहरे की धूम है। शहर आज रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को फूंका जाएगा। 40 फीट ऊंचा बनाया गया रावण का पुतला। इसके अलावा दो और जगह 30 फीट ऊंचे रावण का आज दहन होगा। कोटपुतली के बांसुर में चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने नाकेबंदी और गश्त बढ़ा दी है। इस दौरान क्यूआरटी टीम और पुलिस जाब्ते ने आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने और भय मुक्त मतदान के लिए शहर में गश्त की। अलवर में एक रिटायर्ड सीआरपीएफ से जमीन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। दो प्रॉपर्टी डीलर्स ने रिटायर्ड कर्मचारी से करीब 8 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने पीड़ित की फरियाद पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। झालावाड़ के झालरा पाटन शहर में एक अनोखी परंपरा है। यहां पूरे साल भर रावण और उसके कुंबे का पुतला लगा रहता है। ये स्थायी पुतले राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। पुतलों का निर्माण राजराणा मदन सिंह ने 1840 में करवाया था। अलवर के रामगढ़ में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने निगरानी बढ़ा दी है। टीम चुनाव के मद्देनजर चुनावी गाड़ियों की चेकिंग के बाद अवलोकन कर रही है। स्क्वाड में निगरानी टीम और वीडियो अवलोकन टीम भी शामिल की गई। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने अजमेर में गरबा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अभिनेत्री ने अपने प्रशंसकों के साथ सेल्फी खिंचवाई और गरबे की धुन पर डांस किया। कार्यक्रम में अभिनेत्री को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। देश भर में आज दशहरे की धूम है। अलवर के राजगढ़ में 56 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। साथ ही श्रीराम की विधि विधान से पूजा अर्चना कर झांकियां निकाली जाएंगी। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की वार्षिक विजयादशमी मनाई गई। इस दौरान मोहन भागवत ने संगठन के संस्थापक हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि शंकर महादेवन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। विजयादशमी कार्यक्रम के दौरान आरएसएस चीफ मोहन ने शस्त्र पूजा की। साथ ही आरएसएस प्रमुख बोले, दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा है। जोधपुर के दौरे पर सीएम गहलोत विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होंगे। आगामी चुनाव को लेकर जनसंपर्क करेंगे। देश भर में दशहरे की धूम है। विजयादशमी के इस पर्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने देश को बधाई दी। राष्ट्रपति ने लिखा, यह पर्व हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र जाएंगे। एलएसी के पास सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे, शस्त्र पूजन कर मनाएंगे विजयादशमी। रक्षा मंत्री 2 दिवसीय असम और अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भाग लेंगे। साथ ही रियाद में वरिष्ठ नेताओं और व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो गई। एक्यूआई इंडेक्स 303 के पार पहुंच चुका है। सूचकांक के मुताबिक राजधानी की हवा को बहुत खराब श्रेणी में शामिल किया गया है। देश भर में आज धूमधाम से दशहरा मनाया गया।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये वक्त हुआ है 30 मिनट में 50 जिले की खबरों का, आपके साथ में रविंद सिंह। फटाफट अंदाज में खबरों की आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन्होंने बताया कि अरे उपखंड से 100 से ज्यादा ट्रैक्टर के माध्यम से किसान मुख्य सचिव से मुलाकात करने पहुंचेंगे, जहां किसने विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी, लेकिन आचार संहिता के कारण अभी तक इजाजत नहीं मिली है। आरंभ होने वाली एसएचओ आरआई पूरे दल बल के साथ भाए, उनका आप कलेक्टर साहब से जाकर मिलो, वे ऑफिस में बैठे, उनके सुझाव के आधार पर हम तो देशभर में दशानन यानी विजयदशमी के पर्व की धूम है। और इस वक्त आपको सीधा दिल्ली के द्वारका के रामलीला मैदान में लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को सामने रख रहे हैं इस विजय के उत्सव पर। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के विजय का पर्व है। हम इसी भावना के साथ हर वर्ष रावण दहन करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। ये पर्व हमारे लिए संकल्पों का भी पर्व है, अपने संकल्पों को दोहराने का भी पर्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बार विजयादशमी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर हमारी विजय को 2 महीने पूरे हुए हैं। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर आधिपत्य नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए शस्त्र पूजा की जाती है। नवरात्र की शक्ति पूजा का संकल्प शुरू होते समय हम आराधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब पूजा पूर्ण होती है तो हम कहते हैं देही सौभाग्य आरोग्यम, देही मे परमम सुखम, रूपम देही जयम देही, यशो देही विशो जही। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य आरोग्य सुख विजय और यश के लिए की जाती है। भारत का दर्शन और विचार इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को जीता। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और INS विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं।
हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया ये मंत्र भी जी करके दिखाते हैं। यही तो हमारी भारत भूमि है। भारत की विजयादशमी भी यही विचार का प्रतीक है। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी। तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाओ जनु नगर रम्य चहू फेर। यानी जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में सुगुण होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा, पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही सुगुण आज हो रहे हैं। आज भारत चंद्रमा पर विजयी हुआ है। हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमने कुछ सप्ताह पहले ही संसद की नई इमारत में प्रवेश किया है। नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया है। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है और दुनिया देख रही है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन सुखद क्षणों के बीच
अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। लेकिन यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस वृत्त विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं स्वार्थ की सिद्धि निहित है। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। हमें समाज में बुराइयों के भेदभाव के अंत का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व आज भारत की ओर नजर टिकाए हमारे सामर्थ्य को देख रहा है। अब हमें विश्राम नहीं करना है। रामचरितमानस में भी लिखा है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है, विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो, विकसित भारत जहां लोगों को समृद्धि और संतुष्टि का एहसास हो। राम राज की परिकल्पना यही है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। यानी जब राम अपने सिंहासन पर विराजे तो पूरे विश्व में इसका हर्ष हो और सभी के कष्टों का अंत हो। लेकिन ये होगा कैसे? और इसलिए मैं आज विजयादशमी पर प्रत्येक देशवासी से 10 संकल्प लेने का आग्रह करूंगा। पहला संकल्प, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए
हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प, हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। चौथा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करेंगे, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा संकल्प, हम क्वालिटी काम करेंगे। होती है चलती है, जमाना चला गया, हम क्वालिटी काम करेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। खराब क्वालिटी की वजह से देश के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। छठा संकल्प, हम पहले अपना पूरा देश देखेंगे, यात्रा करेंगे, परिभ्रमण करेंगे और पूरा देश देखने के बाद समय मिले तो फिर विदेश के लिए सोचेंगे। सातवां संकल्प, हम नेचुरल फार्मिंग के प्रति, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे। आठवां संकल्प, हम सुपर फूड मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे। इससे हमारे छोटे किसानों को और हमारी अपनी सेहत को बहुत फायदा होगा। नवा संकल्प, हम सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए योग हो, स्पोर्ट्स हो, फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। और दसवां संकल्प, हम कम से कम एक गरीब परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास मूल सुविधाएं नहीं है, घर हो, बिजली हो, गैस हो, पानी, अगर ये नहीं है, इलाज की सुविधा नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, उसकी सहायता करनी है, तभी देश में विकसित भारत का सपना पूरा होगा। सबका विकास होगा तभी भारत विकसित बनेगा। अपने इन संकल्पों को हम भगवान श्री राम का नाम लेते हुए पूर्ण कर पाए। विजयादशमी के इस पावन पर्व पर देशवासियों को मेरी इसी कामना के साथ अनेक अनेक शुभकामनाएं। रामचरितमानस में कहा गया है, प्रबीसी नगर कीजे सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यानी भगवान श्री राम के नाम को मन में रखकर हम जो संकल्प पूरा करना चाहेंगे हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। हम सब भारत के संकल्पों के साथ उन्नति के पथ पर बढ़े। हम सब भारत को श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य तक पहुंचाएं। इसी कामना के साथ आप सभी को
विजयादशमी के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और अब जिस क्षण की प्रतीक्षा में हम सब, अर्थात अन्याय का दहन, रावण का दहन, उस व्यक्तित्व के हाथ से जो स्वयं सत्य के प्रतीक हैं, जो स्वयं आगे बढ़कर कहते हैं कि नेशन कम्स फर्स्ट, अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि, और अब दहन होगा उन पुतलों का जो प्रतीक हैं अन्याय का, असत्य का, अधर्म का, और करने वाले वो व्यक्तित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से अब होगा दहन उनका जो असत्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन रोकने के लिए खड़े हैं धर्म के प्रतीक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए आनंद लेते हैं रावण दहन का, और हाथ उठाकर गुंजायमान होइए, जय श्री राम। स्वयं ज्ञान के प्रतीक और धर्म को साथ लेकर चलने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के इस रावण दहन में प्रतिभागिता दिखाती है कि हर जनमानस तक उनकी पहुंच है और सबके व्यक्तित्व को वो एकीकार करते हैं। वे धर्म को आगे लेकर चलने के लिए सदैव आतुर हैं और अधर्म का नाश मात्र ऐसे ही व्यक्तित्व के द्वारा होता है जो स्वयं धर्म का प्रतीक होता है। और धीरे धीरे जब यह बात हर मानस तक पहुंचती है तो आवाज आती है जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और क्षण करीब आप सब देखेंगे किस प्रकार हमारे विजयी और सर्वोच्चतम राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसका दहन कर रहे हैं। उनका दहन जो अधर्म के प्रतीक हैं, उनका दहन जो अहंकार के प्रतीक हैं, उनका दहन जो असत्य के प्रतीक हैं, और उनका दहन जो अत्याचार के प्रतीक हैं, अर्थात अधर्म का हमेशा नाश होता है, असत्य हमेशा समाप्त होता है, और अहंकार कभी भी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सत्य पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और आपके हाथ की तालियां, जय जय,
श्री राम, जय जय श्री राम। और इस तरह मेघनाथ, कुंभकर्ण और असत्य के प्रतीक लंकापति दशानन का और साथ साथ उन सभी का विनाश जिन्होंने असत्य का साथ दिया, इस तरह सत्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहा है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। तो आप ये सीधे